नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मघा नक्षत्र के बारे में। मेरी जो पुस्तक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसी पुस्तक से ही हम बात करेंगे इस नक्षत्र के बारे में। और भी नक्षत्र के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज हम पहले बात करते हैं पुरुषों के बारे में। जो मघा नक्षत्र के पुरुष होते हैं, मेल्स होते हैं, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। पहली बात तो यह है कि दे आर ए गुड ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं और कंपैशनेट होते हैं, दयालु होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के धार्मिक पुरुष कह सकते हैं इनको आप। और उनके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, द वेरी प्रिंसिपल्ड काइंड ऑफ पीपल, मतलब जो उनकी जीवन की परिभाषाएं होती हैं उसमें कुछ नियम कानून के हिसाब से चलते हैं ये लोग, तो जो कि अच्छी बात है। और बहुत साफ दिल के होते हैं, मतलब ये नहीं कि मन में कुछ सोच रहे हैं या कुछ कह रहे हैं आपसे, इस प्रकार के नहीं होते हैं। जो दिल में होता है वो कह देते हैं, तो वी कैन टेल देम प्योर हार्टेड, क्लीन हार्टेड। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड हॉट टेम्पर्ड, मतलब इनको गुस्सा आ जाता है। जैसे आप देखेंगे जो लोग साफ दिल के होते हैं और क्लीन होते हैं तो अन्याय को सह नहीं पाते, वो बोल देते हैं कि दिल में को रखते नहीं है, तो उनको गुस्सा बहुत आ जाता है जहाँ भी उनको देखते हैं कि रिलीजियस एक्टिविटी के अगेंस्ट में बातें हो रही हैं या अधर्म की बातें हो रही हैं, तो इनका खून खोल उठता है और इनको बहुत गुस्सा आ जाता है। और जब उनको गुस्सा आ जाएगा, इस कारण से हो या दूसरे किसी कारण से भी हो, यदि उनको गुस्सा आ जाता है तो ये अपने गलतियों को स्वीकार करने में बहुत कतराते हैं। दे आर हेजिटेंट टू एक्सेप्ट देयर फॉल्ट, ये बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कह सकते हैं। देखिए कोई भी नक्षत्र ऐसा नहीं है कि सभी पॉजिटिव पॉइंट ही होंगे, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, मिश्रण होता है, वी आर ऑल मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। तो उनमें ये नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट के बारे में हमने बात कर चुके हैं। और ये बहुत टैक्टफुल होते हैं, मतलब उनको पता है कि किस जगह में क्या बातें करनी है। एंड एज इट इज दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग, तो इनको संवाद करने में, लोगों से वार्तालाप करने में, चीज़ों को नेगोशिएट करने में इनको बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि इनको पता है किस प्रकार से कम्युनिकेट किया जाए। और ये बड़े स्ट्रांग विल्ड के होते हैं, मतलब दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होते हैं, जो काम करने को ठानते हैं उसको करके रहते हैं, अच्छी बात है। और इनका जो अप्रोच होता है लाइफ में, ये बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के व्यक्ति होते हैं। जो मघा नक्षत्र की लड़कियां होती हैं, गर्ल्स एंड वुमेन, उनका किस प्रकार का स्वभाव होता है, उनका भाव किस प्रकार से होता है, ये होते हैं बड़े सॉफ्ट दिल के होते हैं, नरम दिल के होते हैं और ये बहुत जेनरस होते हैं। जेनरस मतलब दयालु प्रवृत्ति के होंगे, मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे और कंजूस नहीं होते हैं। और ये भी बड़े प्योर हार्टेड होते हैं जैसे पुरुष होते हैं इस नक्षत्र के, और बड़े टैक्टफुल होते हैं। किस जगह में कैसी बातें करनी है, किस प्रकार से बातें करनी है, इनको आता है, अच्छी बात है। इस प्रकार के स्वभाव के कारण में दे अट्रैक्ट लॉट ऑफ नेम एंड फेम, जिंदगी में नाम भी कमाती हैं, प्रसिद्धि भी पाती हैं और जिंदगी में खूब सारे धन संपदा का भी प्राप्ति इन्हें होती है। दे लीड ए एफ्लुएंट लाइफ जनरली। और इनका जो एटीट्यूड होता है थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप का होता है, दे हैव ए डोमिनेटिंग एटीट्यूड, मतलब हावी होने की कोशिश करती हैं। और इनकी जो पर्सनैलिटी भी होती है बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है, मतलब देखने में बड़े कड़क रखते हैं, तो दबने वाले दबू स्वभाव के कड़क इनका चरित्र नहीं होता है। ये दबाना चाहती हैं, ये मघा नक्षत्र का निशानी है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगी। उनका जो पर्सनालिटी है दबाने वाला होता है और दबाने में विश्वास ही करती है। यदि आपकी पत्नी ऐसी है, आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी है, तो आप सहन जान जाइए कि जानबूझ के नहीं कर रही है, ये इनकी प्रोग्रामिंग है। और जैसे पुरुष होते हैं ये भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करती हैं, यदि कोई गलती इनसे हो जाए या कोई डिसीजन गलत ले लें तो उसको स्वीकार नहीं करती हैं। लेकिन पुरुषों से इनका डिफरेंस ये है कि पुरुष तो स्वीकार करेंगे ही नहीं, लेकिन यदि औरत हो, लड़कियां हो इस नक्षत्र की, पहले तो स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन एट ए लेटर स्टेज, बाद में जब इनको थोड़ा एहसास हो जाए कि यार गलती हो गई है, तो ये स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाती हैं और माफी मांग लेती हैं। तो ये इस प्रकार की आप कह सकते हैं ये है। और इनको यदि आप ऑफिस में काम करती हैं, आपके अंडर में कोई लड़की काम करती है और जानते हैं कि ये मघा नक्षत्र की है, तो उनको आप इंडिपेंडेंस चार्ज दीजिए, क्योंकि
यदि आप उनको स्ट्रिक्ट विजिलेंस में काम करवाने की कोशिश करेंगे तो ये अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, ये भी एक चीज़ें हैं। तो उनको जिम्मेदारी दे दिया जाए तो वो काम अच्छे से करेंगी। ये अपने घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर को संभालती हैं, सजाती हैं, संवारती हैं, साफ सुथरा रखती हैं, तो आप कह सकते हैं कि सी विल बी ए गुड गुड इन हाउस कीपिंग, मतलब घर को संभाल कर रखने वाली ऐसे आदर्श महिला आप कह सकते हैं। तो ये तो हुआ मकर नक्षत्र के बारे में। यदि आपको कोई समस्या हो जिंदगी में, आप अपने जो ये प्रोग्रामिंग है इसको ट्विक करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन कर लाना चाहते हैं, जैसे जिद के बारे में बताया मैंने, या पुरुष को बताया कि हॉट टेम्पर्ड बताया, तो इन चीज़ों को यदि आप कोई शांति लाना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क साधिए www.santoshsharma.com और whitelotusfuturity.com। हमारा नंबर है 9845124158 और 888-4985-444। नमस्कार। यू कैन लॉग ऑन टू अवर वेबसाइट www.whitelotusfuturity.com। इफ यू वांट टू कंसल्ट देन यू कैन बुक ऑनलाइन। इफ यू वांट टू बाय रुद्राक्ष एंड जेमस्टोन्स ऑल्सो यू कैन बाय थ्रू दिस वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon to receive our videos in future and do subscribe. Thank you.